नीट परीक्षेतील झालेला घोळ पाहता नीट परीक्षा रद्द करा आणि आरोपीवर कारवाई करा या मागणीसाठी आज NSUI कडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा घेराव करण्यात आला. सोबतच रास्ता रोको आंदोलन देखील करण्यात आलं. यावेळी आंदोलनाने तीव्र रूप घेताच पोलिसांकडून आंदोलनकर्त्यांना अटक करण्यात आली. मैं नागपुर जिला विद्यार्थी कांग्रेस NSUI का अध्यक्ष हूँ. जिस तरीके से देश में नीट के पेपर हुए और जब पेपर चल रहे थे तभी ये बता दिया गया था, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि पेपर लीक हुआ है, परंतु NTA ने कहा कि किसी भी प्रकार का पेपर लीक नहीं हुआ है. परंतु जब रिजल्ट आए तो उसमें ये स्पष्ट हो गया कि पेपर लीक हुआ था. और जो रिजल्ट 14 या 16 जून को आना था उसको 4 जून को क्यों लाया, ताकि पूरे देश की जनता चुनाव में व्यस्त रहे कि क्या होने वाला है और NTA अपना ये जो पेपर लीक का घोटाला है उसको छुपा ले. तो पूरे देश में NSUI आंदोलन कर रहे हैं और ये मांग कर रहा है कि ये जो नीट की परीक्षा हुई है उसको फिर से की जाए और ये मांग कर रहा है कि NTA को बैन किया जाए. और इसके पीछे जितने भी लोग हैं, हम तो सरासर से कहते हैं कि इसके पीछे मोदी सरकार का हाथ है. मोदी सरकार के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके माध्यम से ये पेपर लीक हुआ है. इसलिए हम कहना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा दो और हम कहना चाहते हैं कि नीट का ये जो पेपर लीक हुआ है NTA को बैन किया जाए. आज रास्ता रोको भी आंदोलन था आपका? रास्ता रोको बिल्कुल, इसके बाद हम रास्ते पे जाने वाले, हम बैरिकेड्स की ओर जाएंगे और हम कलेक्टर महोदय की ओर भी जाने वाले. मराठी